सो गाइस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज हार्ट के बारे में हार्ट इज होलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट रिसीव्स एंड पंप द ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम तो जो हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है ठीक है एक हमने ये देखा था कि हार्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं ब्लड है वो भी सर्कुलेशन में हेल्प करती है तो हार्ट क्या है होलो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है होलो होता है ठीक है जो जिसका काम क्या होता है ब्लड को रिसीव करना और ब्लड को क्या करना पंप करना थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इट अंडर गो रिदिमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बट इन्वॉलेंट्री इन फंक्शन अब हार्ट जो है क्या करता है रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है ऐसे करके और रिलैक्स करता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जिससे हमारी हार्ट बीट जो हम महसूस करते हैं वो इसी की वजह से करते हैं जो लपड डप साउंड आती है और इन्वॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं मतलब मतलब अंदर हमारे हार्ट बीट कर कर रहा है वो हम अपने आप तो बीट नहीं करा रहे ना वो नॉर्मली मतलब नेचुरली अपने आप अपने आप बीट कर रहा है तो इनवॉलेंट्री इन्वॉलेंट्री मतलब जो चीज़ हम खुद नहीं कर रहे अपने आप हो रही है डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रेगुलेशन हार्ट आर ऑफ वेरियस टाइप्स उनका काम क्या है उनका स्ट्रक्चर कैसा है उनमें कैसे वर्क होते इसके अकॉर्डिंग जो है हार्ट होते हैं बहुत तरह के टाइप्स होते हैं हार्ट के अलग अलग एनिमल्स में ठीक है सो फर्स्ट हार्स हार्ट इज पल्सेटिंग हार्ट इन एनिलिज एंड एम फ्यूश मैनी वेल अडोप्ट पल्सेटिंग फंक्शन बाइ रिथमिक पेरिस्ट्लासिस एंड द ब्लड इज प्रोपेयर थ्रू वेरियस पार्ट पहला है पल्सिटिंग पल्स पल्स से वर्ड लिया गया पल्सिटिंग पल्स जैसे हम आप अप, अपने पल्स को आप फील करके देखो टच करके देखो कैसे करती है वो ठीक है उसी से लिया गया है वर्ड पल्सेटिंग हार्ड एनिलीड्स जो हैं और एम्फ्यूश जो हैं उनमें जो उनकी ब्लड वेसल्स होती हैं कुछ वेसल्स ऐसी होती है पलसेट करती है मतलब ऐसे 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 ना पल ऐसे 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 करके मतलब उनमें मसल की कॉन्ट्रैक्शन से जो है ब्लड जो है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जो है चले जाते हैं ऐसे उसमें सर्कुलेशन होती है जिसको हम पल्सेटिंग हार्ट बोलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूबुलर हार्ट क्या होता है फाउंड इन अर्थोपोडा वेयर हार्ट एज्यूम द शेप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल ट्यूब मेड ऑफ वन और मेनी ईच रिसीव ब्लड फ्रॉम द दिमोसिल थ्रू पेयर्ड ओपनिंग ऑस्टिया कॉकरोजेस हार्ट इज थर्टीन चेंबर एंड सपोर्टेड बाई थर्टीन पेयर्स ऑफ फैन शेप एलरी मसल्स ठीक है अब ट्यूबुलर हार्ट क्या होता है अर्थरोस में पाए जाते हैं जिसमें हार्ट जो है हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब होती है जैसे ये पतली सी कोई है जैसे ट्यूब है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है ऐसी भी हो सकती है और रिलैक्स भी हो सकती है ठीक है अपने शेप को जो है चेंज भी कर सकती है पतली सी ट्यूब जो कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब है जिसमें बहुत सारे चेम्बर्स होते हैं जो रिसीव करती है ब्लड हीमोसिल से और जिसमें पेयर जो ओपनिंग होती है से. ओस्टिया से मतलब ओस्टिया से हीमोसेल जो है इनकी चेम्बर्स जो है या ट्यूब से वहाँ पे जो ब्लड है एंटर करेगा कॉकरोचेस जो है थर्टीन चेम्बर्ड हार्ट होता है जो कि सपोर्ट बाय फाइन शेप अलरी मसल से सपोर्ट की जाती है जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है ट्यूबुलर हार्ट का मतलब ऐसे ट्यूब्स होंगे और यहाँ पे अलग अलग चेम्बर्स होंगे और ऐसे ओस्टिया जो है प्रेजेंट होंगी नेक्स्ट है एम्फिलर असेसरी हार्ट इन सिफेलो ब्रेंकियल हार्ट इज मॉडिफाइड ब्लड वेसल विच सर्व टू पम्प ब्लड इन टू द गिल ठीक है एम्फिलोर असरी हार्ट का मतलब क्या है जो सिफेलो होते हैं जिनमें ब्रेंकियल हार्ट होता है वो एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल है जिसका काम क्या होता है पंप करना ब्लड को गिल्स की तरफ मतलब पंप करना ब्लड को गिल्स में ऐसे ही कुछ इंसेक्ट्स है उनके पास क्या होता है एम्फुलर हार्ट होता है जो कि कहाँ पे लोकेटेड होते हैं एंटीना की बेस में विंग्स में या लेग्स में नेक्स्ट हार्ट इज चेम्बर्ड हार्ट नेक्स्ट है चेंबर्ड हार्ट ऑलमोस्ट इन ऑल वर्टिब्रेड्स एंड फ्यू हार्ट इज़ मेड ऑफ टू और मोर चें बोल रहा है कि जितने भी वर्टिब्रेड्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं जिन एनिमल्स में, में और कुछ मलस्क में जो हार्ट होता है या तो टू चेम्बर्ड होता है या तो उससे भी ज्यादा चेंबर्स जो है हो सकते हैं जिसमें क्या है अलग अलग चेंबर्स में आर्ट्रिया होती है और वेंट्रिकल्स होती हैं आर्ट्रिया काम होता है रिसीव करना ब्लड को वेंट्रिकल काम होता है ब्लड को पम्प करना और बीच में वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो ब्लड का ना हो उसको ब्लॉक करती है उसको रोकती है हमें गाइस जैसे यहाँ पे मैंने बताया है सिंगल चेम्बर्ड हार्ट का एग्जांपल हर्डमेनिया टू चेम्बर्ड हार्ट फिशेस में पाई जाती है थ्री चेम्बर्ड हार्ट एम्फीबियंस जो हो गए या फ्रॉग्स में पाई जाती है फोर चेम्बर्ड हार्ट मैमल्स बर्ड और कॉकरोचेस सॉरी क्रोकोडाइल और थर्टीन चेम्बर्ड हार्ट जो है कॉकरोचेस में पाई जाती है सो so, गाइज इस वीडियो में हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं हार्ट की जितने भी टाइप्स के हार्ट होते हैं और नेक्स्ट गैस हम पढ़ेंगे न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट क्या होते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो गैस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहे